आप देख सकते हो वो जो बीच है वो बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है। और आप यहाँ पे सनसेट हो रहा है और हम मिडल ऑफ सी में सनसेट का जो आनंद है वो ले रहे हैं। अभी बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी 7:55 हुई है और ये हमारा आई थिंक तीसरा दिन है गोवा के अंदर। हम जाने वाले हैं एक नए आइलैंड पे और पूरे आइलैंड की टूर करने वाले हैं, डॉल्फिन्स को देखने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट जस्ट गो एंड चेक आउट सम ऑसम ब्यूटीफुल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है लकड़ी का सरफेस है, उसके ऊपर ऑयल लगाया जाता है जिसकी वजह से क्या है कि बोट को खींचने में, दरिए के अंदर खींचने में आसानी हो। आप पूरा देख सकते हो डिटेल के अंदर कि किस तरीके से थोड़ा मेहनत लगता है फर्स्ट टाइम जब हमें मतलब जाने का होता है और बोट को पूरे दरिए में उतारने का होता है। बट क्या है कि यही चीज़ है कि जो बहुत मेहनत वाली लग रही है मेरे को। तो अभी हम जाने वाले हैं बोट के अंदर। तो दोस्तों जर्नी वो होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। हम प्लान तो कर सकते लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। अभी एक्चुअली में हम बटरफ्लाई बीच गए तो थे वाया बोट, बट प्रॉब्लम वाज दैट के वहाँ पे उतरना सेफ नहीं था बिकॉज ऑफ हाई टाइड, और उसकी वजह से हम आपके जो उसके जो फुटेज है वो आपको नहीं दिखा सके। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अगले व्लॉग में वहाँ पर बटरफ्लाई बीच पे लेके जाऊंगा। बट अभी के लिए आप जो देख रहे हो वो है एक रॉक फॉर्मेशन जो टर्टल के रूप में है और उसको सी टर्टल रॉक बोला जाता है। ये जो पालोलेम बीच से आप अगर बोट राइड करते हो तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है जो आप पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हो। और अभी हम जब जाएंगे तो वो है डॉल्फिन को देखने के लिए। अभी देखेंगे कि डॉल्फिन अगर दिखती है नहीं दिखती और कैसा वहाँ का जो सिनारियो रहता है। सो दोस्तों अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है एक बर्ड कैनो राइड जो पालोलेम बैक वाटर है वहाँ पे है।
ये जो पूरा जो रिवर एडवेंचर है वो बहुत ही प्यारा लगा हमें। इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि हमें अलग अलग जो बर्ड्स है वो हमें देखने मिलते हैं, और यू नो लाइक वो चीज़ सबसे बेहतरीन है। और ये बोट के अंदर यू नो आराम का जाने का और यू नो लाइक बोट राइड करने का जो मज़ा है वो बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो है वो भी आते हैं ये बोट राइड करने के लिए। तो आप कभी भी अगर साउथ गोवा में आते हो तो ये बोट राइड को मिस मत करना। आप पूरे ड्रोन शॉट्स देख सकते हो, प्यारे प्यारे व्यूज देख सकते हो, और प्यारे प्यारे बर्ड्स को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा वो जो पूरा माहौल है वो बना हुआ है। आप आओ यहाँ पे और जरूर से एंजॉय करो। I'm gonna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. बैठ जाओ, मैं बैठ जा। ओ सॉरी सर, सो अभी हम रेडी हो चुके हैं कायाक करने के लिए। कायाक उड़ाने का अभी उड़ा के लेके जाने का, जमीन से नहीं, पानी में से नहीं, ऊपर से जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, थोड़ा उठे पानी में डालेंगे। हाँ
अलका हाउ आर यू, कैसा लग रहा है कायक करते हुए गोवा में दरिये के बीच में? पाजी से हाय टू व्यूअर्स। तो ये अभी सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हो पूरा ये। तपन हाउ यू आर फीलिंग? ऑसम। और हम आप देख सकते हो हम कितना दूर से आ गए हैं, और हम ये मिडल ऑफ सी में है, और आप देख सकते हो ये पूरा मंकी आइलैंड है, और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा फन हो रहा है यहाँ पे। और ये बीच का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हो, बहुत दूर है बीच और हम दूर से आए हैं। कभी भी यहाँ पे आओ, देवास कायक के अंदर जाओ और यहाँ पे कायकिंग करो, आपको बहुत मज़ा आएगा।